मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम समाज का जो वोट है 18% और 20% के करीब है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की आशंका जताई गई थी। जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा, परंतु उस समय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाया गया है। ऐसी ही शिकायत अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के संबंध में की गई थी। इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को वोट पड़ने आखिरी चरण के वोट से पहले, इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को 7वें वे अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले मेरी आयोजित, यानी कि जो चुनाव प्रचार खत्म होना था, तो एक दिन पहले मेरी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी प्रकार का सवाल, आपको याद होगा, इसी प्रकार का सवाल एक पत्रकार द्वारा सभी पत्रकारों के समक्ष मुझसे पूछा गया था, किया गया था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। और मेरे ख्याल उसी आज जहां ये सामने खड़े हैं, इधर ही एक पत्रकार का शायद पहली बार आप लोगों ने देखा था, उसने टोपी सर के ऊपर लगाई हुई थी, तो आखिरी चरण वाले ने, हाँ, टोपी लगाई हुई थी उसने, और जहाँ उधर वो खड़ा हुआ था जब सवाल जवाब हो रहे थे, आपको याद होगा, तो
हाँ हाँ, मेरे को क्या मालूम था कि सचमुच वो सही बोल रहा है, ये तो आज मालूम पड़ा जब रिजल्ट आ रहा है। जब उसने वो सवाल मेरे से पूछा कि जो मैं आज एलिगेशन लगा रही हूँ, तो वो सवाल जब उसने कहा था कि भाई आपका जो वोट है वो तो आपकी पार्टी के लोगों का या दूसरी पार्टी का, वो तो कमल पे ही जा रहा है, तो मैंने उस पत्रकार की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, आप ऐसी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो आज मुझे लगा कि इसका मतलब वो पत्रकार सही बोल रहा था, और आज मुझे लगता वो नजर भी नहीं आ रहा है। वो जो है उस दिन वो खराब आता है, और आप लोग भी देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ से आ गया। तो उसने ये सवाल मेरे सामने रखा था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। किंतु सन 2014 के लोकसभा वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश वे उत्तराखंड विधानसभा आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर, जो 14 में परिणाम आया लोकसभा का, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर, ये मामला अब इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि इसके बारे में और ज्यादा खामोश रहना लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और